कलकत्ता और राजौरी और जवाहरनगर में। क्या मानते हैं आप कितनी देर से बन रहे हैं यहाँ पे? मुझे 7 साल हो। 7 साल से आप लगातार बन रहे हो, क्या कहते हैं कि इसमें शक्ति होती है? एक हाथ बहुत ही शक्ति होती है, एक दो हाथियों की शक्ति आ जाती है। कितनी देर से ये भैरव जानकी रजौरी में निकल रही है, कुछ पता है आपको? कुछ इतना पता नहीं मुझे, इतना पता है 7 साल हो गए मुझे बनते हुए। अच्छा, आपको 7 साल हो गए। तो क्या आपको भैरव देवता की कोई कुदरती शक्ति इसमें आ जाती है? आती है, आती है, इतनी आती है, ऐसे लगता है कि रात भर नाचते रहो और कुछ ऐसी शक्ति आ जाती है। बारिश बारिश भी हो और क्या नाम है, धूप हो, जो कुछ भी हो, नाचते ही रहने। बस जो लोग रजौरी में भैरव देव की जानकी देखने के लिए नहीं आते, उनके लिए क्या संदेश दोगे? अपने उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जानकी जो निकाली जा रही है, क्या कहना है आपका? ये हमारी रजौरी वासियों की पुरानी परंपरा है, जहाँ पे बहुत देर से हो रहे थे, काल पड़ गया था, उसके बाद यहाँ पे भैरव बाबा की जानकी निकाली जा रही है। मैं पूरे रजौरी वासी को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि सभी यहाँ पे आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये हमारा त्यौहार है, गोलियों का त्यौहार, पूरा एक हफ्ता चलेगा हमारा त्यौहार। और सभी एक बात जो मैं तो सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो जो भी भैरव देखने आए, सभी अपने मास्क जो है वो साथ लगा के आए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सभी जो है SOP का पालन करें। ये मैं सभी देशवासियों को बोलना चाहता हूँ, अपने रजौरी वासियों को स्पेशल करके बोलना चाहता हूँ। भैरव जानकी में एक हफ्ता जो हमारा फेस्टिवल यह चलेगा, इसमें सभी SOP का पूरा पालन करें। आज से होली शुरू है, पुराने घर से भैरव देवी की जानकी निकाली गई है, साथ ही इसी तरह से जानकी निकली की भैरव देवी रजौरी में। तो जैसी हमारी भाई परंपरा है, वैसे ही ये चलता रहेगा त्यौहार हमारे होली का। चली आई है जो पहली भैरव जानकी है, ये हर साल होली के त्यौहार पे निकाली जाती है। ये बड़ी पुरानी कहानी है कि यहाँ पे अगर भैरव ना निकाली जाए रजौरी की धरती पे तो यहाँ पे काल आ जाता है, इसलिए ये मिटाने के लिए हम हर साल भैरव की झांकी निकालते हैं, ताकि रजौरी पे कोई संकट ना आए।